हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जापान के बारे में, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में आज पूरी दुनिया से आगे निकल चुका है। और आज हम आपको जापान की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेंगी, और साथ ही जापान से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप सभी चौंक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, बिना देर के चलते हैं अपने फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर वन, हमारे भारत देश में काली बिल्लियों को बहुत ही अशुभ माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ जापान में इसका उल्टा है। जापान में तो लोग बिल्लियों को घरों में पालते हैं। जापान के लोग बिल्लियों को अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। और जापान में एक ऐसा द्वीप है जहां पर सिर्फ 100 लोग रहते हैं, पर हैरानी की बात तो यह है कि जितने इंसान उस द्वीप पर रहते हैं उससे 4 गुना ज्यादा उस द्वीप पर बिल्लियां रहती हैं, इसलिए उस द्वीप पर कुत्ता पालना गैर कानूनी है। फैक्ट नंबर टू, आज पूरी दुनिया में जहाँ कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं, पर जापान में आपको ग्रीन टी बड़ी ही आसानी से ऐसे ही पीने को मिल जाएगी, क्योंकि जापान की लगभग हर खाने पीने वाली चीज में ग्रीन टी होती है। आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ की कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और पिज्जा बर्गर में भी ग्रीन टी होती है, इसलिए जापान के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिट एंड हेल्दी माने जाते हैं। जापान में एक व्यक्ति की औसत आयु लगभग 82 वर्ष है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ है। यह हमला 1945 में जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ था। और जापान में हर साल लगभग 1500 से भी अधिक भूकंप आते हैं। एक दिन में लगभग 4 से 5 भूकंप जापान में आते हैं। पर इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी जापान की इकोनॉमी आज पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, जो कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से काफी आगे है। फैक्ट नंबर 4, आप लोगों को जापान में जगह जगह पर वेंडिंग मशीन लगी हुई देखने को मिल जाएगी। इस मशीन में अगर आप लोग कॉइंस डालते हो तो ये मशीन बदले में आपको नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जूस आदि खाने पीने वाली चीजें देगी, और ये टेक्नोलॉजी आपको पूरी दुनिया में सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेगी। फैक्ट नंबर 5, पूरी दुनिया में जहाँ ट्रेन्स को बिजली और ईंधन की मदद से चलाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जापान में कुछ ट्रेन्स को मैग्नेटिक पावर की वजह से भी चलाया जाता है। ये ट्रेन्स पटरी से थोड़ा ऊपर उठ के चलती हैं और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन हवा में चल रही है। ये टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिल सकती है। फैक्ट नंबर 6, जापान के लोग ज्यादातर सी फूड खाना यानी कि मछलियाँ खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जापान के लोग मछलियाँ इतनी ज्यादा खाते हैं कि जापान चारों तरफ से समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी जापान को 27% मछलियाँ दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती हैं। फैक्ट नंबर 7, जापान के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। जापान के लोगों पर काम का इतना ज्यादा बोझ होता है कि जापान में ज्यादातर आत्महत्याएं काम के बोझ की वजह से ही होती हैं। फैक्ट नंबर 8, अब तक पूरी दुनिया में जो सबसे तेज भूकंप आया है वो जापान में ही आया था। ये भूकंप जापान में कुछ समय पहले आया था। ये भूकंप इतना ज्यादा तेज था कि इसी भूकंप की वजह से हमारी पृथ्वी की घूमने की गति भी तेज हो गई थी, और इस भूकंप की वजह से हमारे दिन 1.8 माइक्रोसेकंड छोटे हो गए हैं। फैक्ट नंबर 9, जब भी पूरी दुनिया में कोई सड़क या फिर हाईवे बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका नाम तो जरूर रखा जाता है, पर जापान में ऐसा नहीं है। जापान में बहुत सारी सड़कें और पुल ऐसे हैं जिनका कोई नाम नहीं है, और जापान में कुछ पुल ऐसे भी हैं जो कि बिल्डिंग्स के बीच में से होकर गुजरते हैं। फैक्ट नंबर 10, जापान में घोड़े का कच्चा मीट खाने की भी परंपरा है। जापान में बहुत सारे लोग घोड़े का कच्चा मीट खाना पसंद करते हैं। वहाँ पर आपको बड़ी आसानी से घोड़े का कच्चा मीट खाने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको हमारे अमेजिंग फैक्ट्स, कमेंट सेक्शन में लिखेगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें।